हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना शर्मा चाचीज किचन कुक बुक पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी स्पेशल धनिये का प्रसाद। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबुत धनिया, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून खरबूजे के बीज और 15 से 20 किशमिश। चलिए सबसे पहले हम धनिए को भूनते हैं। अब हम पैन में धनिया डालकर इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें से जब खुशबू आने लगे धनिए की तो हम इसे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भुन जाता है तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। जन्माष्टमी में धनिए के प्रसाद का बहुत महत्व होता है। मंदिरों में इस प्रसाद को बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है। 2 मिनट हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसी कढ़ाई में खरबूजे के बीज को भून लेंगे। ये भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं, 1/2 मिनट के अंदर ये भुन जाते हैं और फूल जाते हैं। फूलने के बाद ये चटकने लगते हैं, तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से भूनना चाहिए। हमारे बीज भी फटाफट रोस्ट हो गए, 1/2 मिनट भी नहीं लगा इन्हें रोस्ट होने में। अब इन्हें भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इतने हमारा धनिया भी ठंडा हो गया जो हमने रोस्ट करके रखा था। इसे हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे और बहुत बारीक पाउडर बना लेंगे। हमारा धनिया भी पिस गया है, अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। धनिया बहुत मोटा नहीं पिसना चाहिए, आप जितना इसका बारीक पाउडर कर सकते हैं उतना अच्छा है। और अगर एक बार आपको लगे कि थोड़ा मोटा है तो आप इसे दोबारा से ग्राइंडर में डालकर पीस सकते हैं। अभी मोटा मोटा मैं इसमें हटा दूंगी इसमें से, और बारीक बिल्कुल पाउडर जो हो गया है मेरा उसे प्रसाद के लिए रख लेंगे। ऐसा बारीक होना चाहिए बिल्कुल। अब इसे एक बाउल में करके इसमें पिसी हुई चीनी और सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे अच्छे से। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए घर से बाहर भी नहीं ज़्यादा जा सकते, इसलिए आप इस विशेष प्रसाद को घर पर ही बनाइए और अपने कान्हा जी को भोग लगाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।